भाई खेती करते हैं, सब्जी बेचते हैं, सब्जी धंधा करते हैं, किसानी करते हैं। हाँ, किसानों का लोन माफ हो गया? कहाँ हमारा हुआ, हम कल से बैंक ये पता लगाए नहीं हुआ। सड़क उड़क जो ही सब ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क जो है हम लोग का ही बहुत दिन से खराब था, ये जो मेन रोड ये बना दिया है। उसका बाद एम्स यहाँ पर एक देवीपुर में कर एम्स खुला। हाँ, इसके लिए एयरपोर्ट बना। इसलिए इस बार कोई उपाय नहीं है। आपका जरमुंडी भी बीजेपी जीत रहा, देवघर भी जीत रहा, सारण भी जीत रहा, मधुपुर भी जीत रहा है। हाँ, चारों आपका बीजेपी का सिर। चुनाव के वक्त चालू हुआ तो लोग कह रहे हैं भाई चुनावी ये लॉलीपॉप भी हो सकता है। ये तो हो सकता है, लेकिन हम लोग कैसे कह सकते हैं, जनता वो तो बोला है बराबर दे, बिजली माफ, बिजली बिल माफ, केसीसी माफ। आप सबसे पूछिए कि सबसे 30,000-50,000 करके फाइन करके पहले बिजली बिल का तू तसल लिया, उसके बाद लास्ट में 2 महीना में कर रहा है माफ। यही चाहता हूं हेमंत सोरेन की सरकार नौकरी रोजगार नहीं दे रही है। नहीं, वो तो पहले पिछले बार क्या था 2019 में कि हम झारखंड में 5 लाख युवाओं को नौकरी, 5,000 भत्ता देंगे, लेकिन वो रोजगार पर काम नहीं कर। मधुपुर से झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन मैदान में है और उनके सामने गंगा नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एनडीए गठबंधन के तरफ से उतारे गए हैं। सवाल है कि मधुपुर में क्या होगा, 20 तारीख को वोटिंग है और उससे पहले लोग क्या सोच रहे हैं। यही कहना, क्या नाम हुआ, पप्पू लापू, क्या सोचे हैं मधुपुर में इस बार क्या हो रहा? बार कमल खिलेगा। क्यों कमल खिलेगा? ये जो है गंगा नारायण सिंह ने कैंडिडेट अच्छा है। हाँ, यहाँ फजूल हसन जो मंत्री भी है ये भी ठीक है, काम हुआ इनका काम। हाँ, हल्का फुल्का काम हुआ है। भाजपा को क्यों चुन रहा है? भाजपा को यही वास्ते चुन रहे हैं जो ये सड़क उड़क जो ही सब ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क जो है हम लोग का ही बहुत दिन से खराब था, ये जो मेन रोड ये बना दिया है। उसका बाद एम्स यहाँ पर एक देवीपुर में कर एम्स खुला। हाँ, इसके लिए एयरपोर्ट बना। एक जरा बेरोजगार का संविधान है भाजपा से यही कहने चाहते हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, इधर बंजर भूमि है, जरा सिंचाई पर ध्यान देना चाहिए उसको। किसानी पर ध्यान सरकार हेमंत सोरेन नहीं ध्यान दे रहे। नहीं, हम सिंचाई पर तो उतना ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन ये हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री झारखंड में मतलब ये सब जरा मैया योजना ये सब जो ला के किया है बढ़िया काम किया है। लेकिन ये चुनाव के वक्त चालू हुआ तो लोग कह रहे हैं चुनावी ये लॉलीपॉप भी हो सकता है। ये तो हो सकता है, लेकिन हम लोग कैसे कह सकते हैं, जनता वो तो बोला है बराबर देंगे। जहाँ नेताजी तो बोलते हैं। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत सिंह। कौन सी क्लास में? इंटर में। अभी तो 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद आप जनरल कंपटीशन की तैयारी संभवतः कर सकते हैं। रोजगार नौकरी को लेकर क्या ख्याल है, क्योंकि अब तो सब जानते होंगे भाई क्या सरकार रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है। हाँ, सरकार से यही उम्मीद है कि इस बार भाजपा सरकार हमारे झारखंड में बने। हाँ, और रोजगार पर काम करे, यही चाहता हूं। हेमंत सोरेन की सरकार नौकरी रोजगार नहीं दे रही है। नहीं, वो तो पहले पिछले बार क्या था 2019 में कि हम झारखंड में 5 लाख युवाओं को नौकरी, 5,000 भत्ता देंगे, लेकिन वो रोजगार पर काम नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार भाजपा सरकार बने और रोजगार पर काम करे। इसलिए भाजपा से उम्मीद है, भाजपा काम कर रही है। हाँ, भाजपा काम कर रही है और मधुपुर में हमारे गंगा नारायण सिंह जो प्रत्याशी हैं वो इस बार मधुपुर से जीते। मधुपुर से जो विधायक है, जो प्रत्याशी है जेएमएम के, वो तो मंत्री भी हैं, तो वो काम भी तो किए होंगे ना। मंत्री रहने से कुछ नहीं होता, देखिए काम आपको क्षेत्र में काम करना हुआ है। आप मंत्री हैं या विधायक है, आपको क्षेत्र में काम करना है। इस काम नहीं करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं। इसीलिए नाराजगी की मंत्री जी काम नहीं किए? नहीं, उतना काम नहीं किए हैं मंत्री जी। काम नहीं किए? नहीं, 25-10-20% काम किए बस, इतना। इसमें चुनाव वो जीते थे? हाँ, जीते थे। अपने पिताजी के वजह से, पिताजी के बाद देहांत हो गया तो उसका इसके बाद वो जीत गए। जीत गए थे और इस बार भी मैदान में है। मधुपुर के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? मधुपुर का लोग इस बार गंगा नारायण सिंह सब सोचे हैं। क्यों? इसलिए कि हफीजुल खाली मियां काम करता है, हिंदू आदिवासी किसी का काम नहीं करता है। धर्म के आधार पे काम करते हैं वो, धर्म के आधार पे काम करता है। वोट तो सब लोग दिया होगा? वोट तो पहले सबको दिया, लेकिन एक बार देख के कर लिया। इनका बाबूजी वैसा नहीं करते थे। अच्छा, पिताजी वैसे नहीं थे? नहीं, लेकिन ये हो गया कट्टर मुस्लिम। हाँ,
इसलिए इसका कोई नहीं अभी सपोर्ट करने चाह रहा है। ये वो नारा भाजपा वाला दे रहा था कि भाई कटोगे तो बटोगे, सही जेबें करिए कि ये लोग बांटने वाले लोग दे रहा है। यही सिकटिया में गया, आदिवासी को मार दिया, अभी तक मंत्री देखने तक नहीं गया था। नहीं गया तो नहीं, गंगा नारायण सिंह गए तो उसका पुलिस एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रहा था और वो मुस्लिम लड़का ही मारा था। तो पक्षपात हो रहा है, पक्षपात पूरा हो रहा है। इसका पहले भी एक आदिवासी लोग को मारा था जिसमें एफआईआर नहीं होने दे रहा था। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन जो दावा कर रहे हैं कि विकास की गंगा हमें झारखंड में बहाया है, कुछ नहीं बहाया, वो अपना पाकुड़ क्षेत्र में खाली अपना विकास बढ़ाया, सब पैसा लूट के कौन सी बढ़ाया वो दिखा दे, जो इधर पहले काम हुआ उसके बाद हुआ। और वो जो बोल रहे कि मैया सम्मान, बिजली माफ, बिजली बिल माफ, केसीसी माफ, आप सबसे पूछिए कि सबसे 30,000-50,000 करके फाइन करके पहले बिजली बिल का तू तसल लिया, उसके बाद लास्ट में 2 महीना में कर रहा है माफ, इसके पहले कहाँ गया था? पहले फाइन ले लिया गया, फाइन सबसे 25,000-30,000 करके लिया, पूछिए हर मोहल्ला गांव में अभी कर रहा। अरे 1,000 करके जब चुनाव आया तो 1 महीना में 3 महीना का दे दिया है। हाँ, इसके पहले कहाँ गया था? तब बीजेपी भी को दीदी बोल दिया है कि 100 रुपया देंगे, इसके पहले मोदी भी 2,000 रुपया करके 6,000 सालाना दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं। तो बीजेपी का भी उससे ज्यादा है, बीजेपी जो बोलते हैं भाजपा झारखंड में आ रही है, भाजपा निश्चित है। अभी जो 43 सीट हुआ उसमें आपका 25 से 30 सीट भाजपा का ही है, 25-30 सीट निकाल ली तब, इसलिए इस बार कोई उपाय नहीं है। आपका जरमुंडी भी बीजेपी जीत रहा, देवघर भी जीत रहा, सारण भी जीत रहा, मधुपुर भी जीत रहा, हाँ चारों आपका बीजेपी का सेट, चारों बीजेपी का सेट है। बीजेपी के लोग भी यहाँ पे हैं, यूथ खास तौर पे बात करना चाहिए युवाओं से, भाई क्या है। अच्छा आप बात नहीं करेंगे, आप नहीं बात करेंगे, आप जैसा बात करेंगे, क्या नाम हुआ आदमी, क्या बात करेंगे, क्या नाम नहीं, अलग अलग लोग बात किया, आपका नाम क्या है? हमारा नाम दशरथ ठाकुर है। क्या सोचे हैं इस बार? कुछ नहीं, जो सोच रहा है सब वही सोचे। नहीं कॉल, क्या क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? हम वही सोच रहे हैं, जो सोचेगा सब वही सोचेगा। नहीं सब तो लोग बता दिया, आप ही बता दीजिए। अभी नहीं, वो जब वक्त आएगा उस समय बताएंगे। जे में भाजपा वक्त पर बताएंगे, वक्त पर। अच्छा हेमंत सोरेन काम की ही बता दीजिए, हमको मालूम नहीं है काम करता है कि नहीं करता है। कोई यहाँ के जो विधायक मंत्री है काम करता है वही मालूम रहता है हमको। आप क्या करते हैं? हम यही खेती करते हैं, सब्जी बेचते हैं, सब्जी धंधा करते हैं, किसानी करते हैं। हाँ, किसानों का लोन माफ हो गया? कहाँ हमारा हुआ, हम कल तो बैंक गए, पता लगा नहीं हुआ। अच्छा आपका भी लोन था, कितना था? 35-40 हजार। माफ नहीं हुआ बिजली बिल? माफ, बिजली माफ हो रहा है, 1,000 हुआ माफ, 1,000 जो बकाया था। लेकिन केसीसी नहीं हुआ, किसान वाला नहीं हुआ? नहीं, हमको और बोला 2,000 लगेगा ऊपर से, तब आपको नया पुराना होगा। अच्छा 2,000 लगेगा, तब होगा नया पुराना। किसान वाला लोन माफ नहीं हुआ है, आप भी, आप क्या करते हैं? हमको तो अभी मालूम नहीं है, यही के है ना आप, यही के? क्या नाम हुआ? विजय। क्या सोचे हैं भाई चुनाव को लेकर? क्या चुनाव जिस तरह हम लोग चल रहा है उसी तरह चलाएंगे। किस तरह चल रहे हैं? किस तरह हम लोग जो चला रहे थे वही ना चलाएंगे। मतलब बता दीजिए भाजपा आजे में, वो सब हम लोग नहीं जानते हैं। हम काम नाम कैसे किसी को धर, काम भी बता दीजिए कि भाई यहाँ के जो विधायक है हसन साहब, उन्होंने काम किया मंत्री जो विधायक है, लेकिन हम कैसे कह दें किसी को नाम धार के? लेकिन विधायक जी का काम तो बता सकते हो ना, काम हुआ कि नहीं हुआ? काम तो दोनों करता है, दोनों करता है। जेएम भी करता है, बीजेपी भी करता है। हमको अपना मन की बात है, तो दबाना एक जगह टीम, बस यही बात है। चलिए अपना जो है वो गुप्त रख रहा है, गुप्त रखना भी चाहिए, लेकिन मुद्दों पे बात भी होनी चाहिए कि भाई आखिर मुद्दा क्या है, रोजगार कितना बड़ा फैक्टर है, नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ग्राउंड पर गांव में सड़कें बनी, लोगों को जो फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। बहरहाल आगे की रिपोर्ट में आगे की बात, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।